व्हाट्सएप भक्त कथा। भगवान श्री कहते हैं भक्त कुछ एक प्रकार की प्रारब्ध होती है जो अवतारों को भी भक्ति पड़ती है, वह भी इससे मुक्त नहीं। ऐसी ही प्रारब्ध तेरी थी, तुझे इसका भुगतान भुगतना ही था। मैंने प्रारब्ध नहीं बदली, लेकिन इस भोग की जो पीड़ा थी वो मैंने सह कर ली, वह मैंने अपने ऊपर ले ली। है संसार में कोई ऐसा माई का लाल जो ऐसा करने वाला हो? परमात्मा के सिवा, परमात्मा के अति अपने समर्पित के लिए, अपने शरणागत के लिए, इससे प्रति भगवान और क्या करे। प्रारब्ध भोग तो भोगना ही था तुम्हें, लेकिन मैंने तुम्हें पीड़ा नहीं होने दी। मैंने पीड़ा और जो उसकी वेदना, जो कुछ भी उसका प्रभाव होना था, मैंने अपने ऊपर ले लिया है। मुझे लगता है परमात्मा ने चाबू के निशान में उसकी पीठ पर नहीं पड़ने दिए, वह निशान भी अपनी पीठ पर ले लिए। जो खून निकलना था वह भी अपनी पीठ से निकल, उसको आज नहीं आने दी। ये भगवान की करनी है, भगवान की महिमा। बेशरणागति, बेस्वर्पण कोई कागज पर लिखवा लो, कभी किसी को शांति संतुष्टि परम शांति परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकी। आज एक बहुत बड़े जाने पहचाने महात्मा की इस महर्षि की बात करते हैं, महर्षि व्यासदेव। चलो भी तो कसम कर किया, ब्रह्मसूत्र लिख पुराणों की रचना की, अध्यात्म रामायण की रचना की, इतना काम जिंदगी में युगो युगांतों तक किसी अन्य महर्षि ने, किसी अन्य महात्मा ने नहीं किया। पूछे संसार भर में महर्षि व्यासदेव की पूजा होती है। आज ये सब कुछ करने के बाद सरस्वती नदी के किनारे अकेले बैठे हैं, आंखों में आंसू, उदासी के आंसू। बड़ा ही संतोष होना चाहिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ऐसा काम कर दिया जो संसार में अन्य कोई कर नहीं सकता। ये सब बातें बहुत संतोष, बहुत हर्ष देने वाली बातें। लेकिन महर्षि व्यासदेव जी उदास हैं, आंखों में आंसू, अकेले बैठे हुए। देवऋषि नारद वहां बधा गए, आपको प्रणाम किया, प्रणाम महर्षि, प्रणाम दीक्ष। महर्षि आपकी आंखों में उदासी के आंसू। हाँ दिवश, क्या बात है, किस अपराध के कारण, क्या कहूं, मुझे स्वयं को पता नहीं है। दिवशि कहते हैं, महर्षि जहां तक मुझे पता है दो कारण हैं जिनके कारण आदमी दुखी, उदास, चिंतित, भयभीत रहता है। एक तो ये, जब व्यक्ति की जिंदगी में कोई अभाव रहता है, व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं कर रहा परमात्मा, वह अभाव दुखी रखेगा, उदास चिंतित रखेगा, भयभीत रखेगा, बेचैन रखेगा। दूसरा कारण, एक कारण, दूसरा कारण, यदि किसी का स्वभाव
किसी का आचरण, किसी का व्यवहार कटु है, कठोर है, बड़ी बारीक बातें कहीं देवीशनाद है, व्यंगात्मक है, उग्र है, उसे भी शांति नहीं मिलती। महर्षि ने दोनों बातें सुन दी हैं। कहा देव ऋषि, बहुत कुछ किया है मैंने, मुझे लगता है जो करना चाहिए था वह नहीं हुआ, मैं अभी तक परमात्मा का नहीं हुआ, मैं परमात्मा के समर्पित नहीं हुआ, मैं परमात्मा की शरणागत नहीं हुआ अभी तक। मेरी जिंदगी में इसी अभाव के कारण मैं आज बहुत उदास हूं। देवऋषि तत्काल समर्थन करते हैं, हमारे ये ज्ञान का अभिमान, ज्ञानी होने का अभिमान, विद्वत्ता का अभिमान, देवऋषि नारद यहां कहते हैं। कभी साधकजनों, रामकृष्ण परमहंस ने मां से कहा, मां बड़े बड़े विद्वान मेरे पास आते हैं, मैं बुद्ध, मैं अनपढ़, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? वो इतने विद्वान, प्रकांड विद्वान, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मुझे विद्या दे। मां ने कहा, पुत्र क्या मांग रहा है? जानते हो इन विद्वानों और प्रकांड विद्वानों, बड़े बड़े महापुरुष, अपने आप को कहलाने वाले, इनकी दुर्गति क्या होती है मैं तुम्हें बताऊं? धरती नाली के कीड़े मकोड़े बनते हैं और मैं नहीं चाहती कि तू वैसा बने। तो जैसा है गुमार पसल है, ठीक है। ऐसी विद्वत्ता क्या करनी जो अभिमानी बनाए, ऐसी विद्या क्या करनी जो अभिमानी बनाए। विद्या वह जो विनयवान व्यक्ति को बनाए, जो चरणों की, हरेक के चरणों की धूली बना दे, वह परा विद्या, वह विद्या। रामकृष्ण तू ऐसा है, मैं तुम्हें वो विद्या नहीं दूंगी। क्यों? मैं नहीं चाहती तेरी भी वही दुर्गति हो जो सो कॉल्ड विद्वानों की हुई है, सो कॉल्ड ज्ञानियों, महाज्ञानियों की हुई है। महर्षि के जीवन के अंदर ये अभाव खटक रहा है, मैं अभी तक निमित्त नहीं बना। कल करेंगे साधक जन इसके आगे की चर्चा, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।